दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अश्विनी फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल पाइनएप्पल की सब्जी। इसे पाइनएप्पल पचड़ी भी कहते हैं। आपने कई बार पाइनएप्पल सिर्फ काट कर ही खाया होगा या फिर ज्यादातर लोग इसका रायता बनाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसकी सब्जी बनाकर खाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये केरला स्टाइल पाइनएप्पल सब्जी यानी पाइनएप्पल पचड़ी। सबसे पहले हमने यहाँ एक छोटा पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल पीला और अच्छा पका हुआ चाहिए, उससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छी टेस्ट आएगी और मीठी सब्जी बनेगी। अगर पाइनएप्पल थोड़ा खट्टा रह जाए तो फिर पाइनएप्पल की सब्जी भी खट्टी बनेगी या फिर हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा शुगर डालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, हमें हरा नहीं पीला पाइनएप्पल यूज़ करना है। तो इसके बाद हम इसका ऊपरी और निचला हिस्सा निकाल लेंगे और साथ ही में पाइनएप्पल के बाहर के हिस्से के सारे कांटे भी निकाल लेंगे। छिलकों के अलावा भी अगर इसमें थोड़े से कांटे रह जाए तो इसे हम चाकू की मदद से इस तरह निकाल लेंगे। इसके बाद हम पाइनएप्पल को दो हिस्सों में काट लेंगे और पूरे पाइनएप्पल को अच्छी तरह से साफ बाहर से क्लीन करेंगे, जिससे कि बाहर का छिलका या फिर कांटे हमारे पाइनएप्पल में बिल्कुल भी ना रहे। हम नहीं चाहते कि कोई भी कांटा हमारी सब्जी में आए और हमारे सब्जी का टेक्सचर या फिर टेस्ट खराब करे या फिर हमारी सब्जी खाने में हमें मुश्किल हो। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। अभी पाइनएप्पल के बीच में जो सिलेंडर होता है या फिर एक गोल गोल आकार होता है, उसे हम हमारी सब्जी में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये पकने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, ये बिल्कुल भी नहीं पकता। तो बस ये पाइनएप्पल का सख्त सेंटर हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम पाइनएप्पल के चौकोनी टुकड़े कर लेंगे। पाइनएप्पल काटने का एक और दूसरा आसान तरीका है, जिसमें हम पाइनएप्पल के इस तरह स्लाइसेस कर लेंगे और उसके बाद उसके छोटे छोटे चौकोने टुकड़े कर लेंगे। लेकिन इसमें हर एक स्लाइस में से भी हमें बीच में का सेंटर पार्ट, जो सेंटर हार्ड पार्ट है, वो इस तरह निकाल लेना है और वो हमें अलग से फेंक देना है और बाकी का बचे हुए हमारे बाकी के पाइनएप्पल के टुकड़े हम सब्जी के लिए यूज़ करेंगे। तो एक छोटे पाइनएप्पल में परिवार के 2 से 3 लोगों के लिए सब्जी आराम से बन जाएगी। आजकल बाजार में रेडीमेड कट पाइनएप्पल के पीसेस भी मिलते हैं, अगर आप चाहे तो आप वो भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन टेस्ट करके देखिएगा, पाइनएप्पल हमें मीठा ही चाहिए। तो जब आप पाइनएप्पल के पीसेस कर रहे हो तो ध्यान रखिए, जितना हो सके उतने छोटे पीसेस कीजिए, जिससे हमारा पाइनएप्पल पकने में कम टाइम लगेगा और वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही में छोटे पीसेस से हमारी सब्जी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने पाइनएप्पल कटिंग के सारे डिटेल्स आपको अच्छे से बता दिए हैं। बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। पाइनएप्पल हमें पीला चाहिए, हरा नहीं। इसके कांटे पूरी तरह निकाल लेने हैं और बीच का सेंटर भी, और पाइनएप्पल हमें एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। पूरा पाइनएप्पल कट होने के बाद हम ये एक बड़ी कढ़ाई या पैन में पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस हीट करने के लिए रखेंगे। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी पानी डाला है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 से 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। आप लाल मिर्च का पाउडर कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच शक्कर यानी चीनी। आपका पाइनएप्पल कितना मीठा है उस हिसाब से आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे पाइनएप्पल अगर थोड़ा खट्टा रहा तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा डालिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें पाइनएप्पल के साथ अच्छी तरह मिला लेने हैं और इसके बाद हम ये पाइनएप्पल को ढक कर थोड़ी देर पकने देंगे। गैस की आँच हमें धीमी ही रखनी है और हमें ये पाइनएप्पल लगभग पूरा सॉफ्ट होते तक यानी पूरा गल जाने तक इसे पकाना है। बीच बीच में आप इसे हिलाकर चेक कीजिए कि हमारा पाइनएप्पल पका है या नहीं। जब तक हमारा पाइनएप्पल पकता है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे।
यहाँ मैंने 1.5 कटोरी नारियल लिया है, यानी फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट नहीं है तो आप ताज़े नारियल के छोटे टुकड़े भी यहाँ ले सकते हैं। तो नारियल को हम एक मिक्सर के पॉट में लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। वैसे हमने पाइनएप्पल पकाते वक्त उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने कलर के लिए डाला था, वो ज़्यादा तेज़ नहीं था, इसलिए यहाँ मैं 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह सादा यानी नॉर्मल हमारा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादा तीखा होता है, तो आप उसे कम यूज़ करें, क्योंकि हम यहाँ मिर्ची हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाइनएप्पल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। तो आप तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। साथ ही में हम इसके डालेंगे लहसुन। लहसुन डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 10 से 15 करी पत्ते। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 3 बड़े चम्मच दही। यहाँ हमें खट्टा दही नहीं यूज करना है, हमें यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा दही या फिर योगर्ट होता है वो हम इसमें डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच, जिससे हमारा अच्छा सा अच्छा यूनिफॉर्म स्मूथ पेस्ट बन जाए। बस अब मिक्सर का ढक्कन लगा के इसका हम पेस्ट बना लेंगे और ये हमारी ग्रेवी की तैयारी भी हो गई है। देखिए हमारे नारियल का पेस्ट लगभग इतना गाढ़ा होना चाहिए। हमारा पाइनएप्पल भी अभी पक के रेडी हो गया है। पाइनएप्पल पूरा पककर सॉफ्ट होने के लिए यहाँ 8 से 10 मिनट का टाइम लगा। देखिए यहाँ पानी भी पूरा इवेपोरेट हो गया है और पाइनएप्पल के पीसेस भी अच्छे से सॉफ्ट होकर गल गए हैं और पाइनएप्पल का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसके बाद हम अब इसमें हमारा नारियल का बनाया हुआ पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। पाइनएप्पल यानी अनानास न्यूट्रिएंट से भरपूर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ये डाइजेशन में मदद करता है और हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। वैसे पाइनएप्पल है तो बहुत ही गुणकारी, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी का या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स की बीमारी है, उन लोगों ने पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, या फिर अगर खाना हो तो वो केवल पका हुआ पाइनएप्पल ही खाए, और वो भी बहुत ही कम प्रमाण में। अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो फिर आप ये पाइनएप्पल की सब्जी ना खाएं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह एक बार मिला लेंगे और हो गया। बस अब इसे हमें ढककर थोड़ी देर पकाना है। इसे लगभग हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद हमारी ये पाइनएप्पल पचड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। इसे हम एक बार मिला लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दही या फिर योगर्ट। योगर्ट या फिर दही हमें खट्टा यूज़ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें नॉर्मल ही दही इस्तेमाल करना है। दही डालने से पहले उसे हल्का सा फेंट लें और दही डालते वक्त गैस की आंच में धीमी ही रखनी है, ये याद रखिए। तो दही को हम अच्छी तरह हमारी पाइनएप्पल पचड़ी में मिक्स कर लेंगे और बस हो गया, पचड़ी तो हमारी रेडी है। अब हम इसके इसके ऊपर डालने के लिए तड़का बनाएंगे। तो अब ये पाइनएप्पल करी को हम गैस की फ्लेम से हटाएंगे और वहाँ पे हम रखेंगे हम छोटी सी एक कढ़ाई जिसमें हम बनाएंगे तड़का। तड़के के लिए यहाँ मैं कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप कोई भी आपका रेगुलर जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो तेल का तड़का दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये केरला स्टाइल सब्जी है तो नारियल का तेल इसमें बहुत ही ऑथेंटिक लगता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर एनहांस करता है हमारे पाइनएप्पल पचड़ी का। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और जब ये तेल गर्म हो जाए और थोड़ा धुआं निकलने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1.5 से 2 छोटे चम्मच राई यानी सरसों के दाने। जैसे ही राई चटकने लगे हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चुटकी मेथी दाना। अगर आपको मेथी दाने का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर बहुत ही कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 सूखी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता और हो गया हमारा तड़का रेडी। अब ये तड़का हम हमारी पाइनएप्पल पचड़ी में डालेंगे।
और लीजिए हमारी डेलीशियस केरला स्टाइल पाइनएप्पल करी, यानी कि पाइनएप्पल पचड़ी रेडी है। इसमें पाइनएप्पल के पीसेस बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और पाइनएप्पल के साथ जो हमने फ्रेश नारियल का इस्तेमाल किया है ना, तो वो भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह एनहांस करता है और हमारी पाइनएप्पल पचड़ी बहुत ही लाजवाब लगती है। इसे आप रोटी, नान, पराठा, पूरी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। यूजुअली ये पाइनएप्पल पचड़ी संध्या में सर्व करते हैं, जो सांबर और मटर राइस के साथ बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है। आप ये पाइनएप्पल पचड़ी साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी से आप ये पाइनएप्पल पचड़ी जरूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी ये पाइनएप्पल पचड़ी कैसे बनी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कुक विद लव एंड सर्व विद अ स्माइल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।